हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं प्रियांक सौरभ। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बेहद ही खास गेस्ट मौजूद हैं। दरअसल जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत बेहद ख़राब है और उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बताई जाती रही है। हालांकि अभी उनकी स्थिति स्थिर है, इसलिए जैसा कि पिछली मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी को लेकर समस्या उत्पन्न हो चुकी है, तो उनके प्रशंसकों में कई तरह की बातें उत्पन्न हो रही है और वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन इसी दौरान उनके प्रशंसक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और उन्हें उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे खास इस कार्यक्रम में उनके ही एक जबरदस्त फैन और बिहार के तेजी से उभरते हुए भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव मौजूद हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो लालू प्रसाद को अपना किडनी दान देंगे। तो स्वागत करते हैं संतोष जी आपका, और आप बताइए, पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले बिहारी न्यूज़ के माध्यम से मैं जितने भी हमारे फैंस हैं, हमारे दर्शक हैं और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जितने भी चाहने वाले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं इसी न्यूज़ पे। मेरा नाम संतोष रेणु यादव, पिताजी का नाम रामाशीष यादव, घर बैरमचक, पोस्ट नदौल, थाना मसौढ़ी, जिला पटना, और मैं भोजपुरी में मैं कुछ गाता हूं और अभी तो एक फिल्म में एक अभिनय के लिए भी मैंने भी साइन किया है जिसका नाम ही है लालटेन, जिस फिल्म का। संतोष जी, जैसा कि आपके नाम में एक खास नाम झलक रहा है, संतोष रेणु यादव, जैसा कि आपने बताया या आपका नाम मैंने कई एल्बमों में देखा है, ये जैसा कि आपने देखा होगा अब तक एक साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके नाम में रेणु का तात्पर्य था, उनकी पत्नी का नाम उनमें जुड़ा हुआ था, आपके नाम में रेणु के पीछे क्या तात्पर्य है? सेम स्टोरी। जैसे जो रेणु जो हैं वो मेरी वाइफ का नाम। अच्छा। और मेरी शादी 7 साल की उम्र में हुई थी, ओनली और मैं हाफ पैंट पहन करके मैं गया था शादी करने के लिए, तो ये सामाजिक विडम्बना एक थी, जैसे बाल विवाह का शिकार मैं भी हुआ था। और 1997 में शादी हुई, 2005 में गौना हुई और 2007 में मेरी बीवी एक्सपायर कर गई रेणु। तो जैसे उन्हीं का जो नाम था, मैं अलग नहीं होना चाहता था और तब जा कर के आज संतोष और रेणु हम लोग साथ हैं। तो हालांकि मैंने फिर दोबारा भी शादी जैसे मैंने किया है, तो फिर और आपके इस बहुत ही भावुक बात है और इस पर ज़्यादा हम लोग अब ये नहीं कर सकते। जैसा कि चले आते हैं हम लोग अपने मुख्य उद्देश्य पे, जैसा कि इन्होंने लाइव आकर कई माध्यमों से इन्होंने ये कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये अपना किडनी दान देने वाले हैं। तो लालू जी के लिए किडनी दान देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बस इसमें कोई कुछ खास बात नहीं है, बस यही है कि ये मेरी आत्मा की आवाज़ थी। और कल रात की बात है कि मैं जब YouTube में चला रहा था तो मैंने उसमें एक न्यूज़ देखा और उसमें देखा कि लालू प्रसाद यादव जी की किडनी बहुत ख़राब है और वो जैसे डायलिसिस पे हैं, उनके स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। तो फिर जैसे मैंने तय किया, चूँकि लालू प्रसाद यादव जी एक अलग चीज़ है कि पॉलिटिशियन हैं या लीडर हैं, वो बाद की बात है, हमारे लिए एक अभिभावक हैं। और लालू प्रसाद यादव जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जो शायद ही लोग इस चीज़ को शायद ही लोग भाप पाते होंगे, लेकिन मैं तो भापता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो कि लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ की मिमिक्री करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, तो हमारे लिए तो वो भगवान सदृश तो हैं। तो अगर उनकी किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, तो बहुत सारे कलाकार की रोजी रोटी पे भी जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, दांव लग सकता है। तो ये यही सब चीज़ को लेकर के फिर मैंने ये जैसे मैंने किया कि चूँकि कलाकार का भी बहुत सम्मान करते आए हैं, वो शुरुआती अवस्था से ही देखिए, वो चैता का आयोजन करवाना, होली का आयोजन करवाना, कहाँ कोई आज के डेट में कहाँ कोई नेता करवाते हैं, नहीं करवाते हैं लोग, जमीन से जुड़े हुए। तो इसी चीज़ को लेकर के, और दूसरी चीज़ कलाकार की भावना, जैसे इसमें कहीं से कोई कुछ नहीं, बस एक कलाकारी की जैसे बात, मैं उनको एक अपना अभिभावक मानता हूँ और अभिभावक के ऊपर जब किसी तरह की मुसीबत आए
तो घर के परिजन का बनता है, फर्ज बनता है कि वो सामने आगे आए और आगे आ करके घर की समस्याओं में अपना हाथ वो उसको दूर करने में बटाएं। तो बस मैं एक जैसे लालू जी के जो परिवार है उसी का मैं एक सदस्य मैं अपने आप को मानता हूँ। लालू जी को लेकर, लालू जी को के प्रति सम्मान को देखते हुए, जैसे कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं, जो बड़े लोगों के लिए लिए जाते हैं, तो उसमें लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट मान लेते हैं। भले ही आपने जैसा बताया ये आपको उनके प्रति सम्मान है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या, मतलब भविष्य में पॉलिटिक्स वगैरह? वो तो भविष्य की बात है। जैसे जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो हर कोई आदमी इसे देखे, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, लोग भले इसको गंदा मानते हैं लेकिन इसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। चूँकि आप बाहर से रह करके ना, आप बाहर से रह कर कितना भी बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मुख्य धारा में जुड़ना होगा, जुड़ करके संविधान के तहत आपको, यदि आप नए भारत की आप चाहते हैं निर्माण, तो उसके लिए आपको मुख्य धारा में जुड़ करके और जो हमारी जो लोक की जो संविधान की जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए आपको आना होगा और तब जा करके आप नए भारत की आप नींव रख सकते हैं या नए भारत के निर्माण कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स तो बात की बात है, पॉलिटिक्स में भी देखिए आगे, इससे आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी के प्रति आपका यह प्यार, क्या इसे हम सिर्फ लालू जी के प्रति यह प्यार कहें या राजद के प्रति प्यार है? पर्सनली जैसे जहाँ तक ऐसा नहीं है, मैं राजद से अछूता नहीं हूँ, लेकिन जैसे हमारे लिए जो भी जैसे जो भी लीडर हों जो हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं या हमारे यूथ के लिए या जितने भी चीज़ें जो जैसे डेवलपमेंट के लिए, मैं कला क्षेत्र से हूँ तो कलाकारों के लिए जो, या कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के लिए जो अच्छा काम करते हैं मैं उनके साथ हूँ, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक स्पेशल अटैचमेंट है। चूँकि जैसे लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको बिहार क्या हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, तो जैसे अगर जहाँ वो वैसे इंसान जिसको उतना दूर दूर तक लोग प्यार करते हैं, तो घर घर में हैं तो कुछ तो बनता है। बस लालू जी के लिए जो आपने किडनी दान देने का फैसला किया, तो आप जैसा कि मैंने सुना है या जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट की माने तो इसको लेके कई तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, कई तरह की समानताएं जो है उसको मैच किया जाता है कि हाँ ये चीज़ वो, मतलब बहुत तरह के जो है जो उसमें टेस्ट वगैरह होता है उसमें समान होना भी बहुत कुछ ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि अगर कुछ चीज़ें मैच ना हुई और आप किडनी देने में असमर्थ हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान होऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लालू जी के प्रति किडनी देने के लिए जितना उत्सुक हैं हमारे साथ जुड़े हुए संतोष रेणु यादव जी, जो एक बहुत ही बेहतर बिहार के उभरते हुए भोजपुरी गायक हैं, लोकगीतों के गायक हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन्हें मगध सम्राट भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष रेणु यादव जी, वो अभी आपको जैसा कि आपने कहा कि दुर्भाग्य होगा, आपके परिवार के लोग आपके इस फैसला को लेकर क्या कहते हैं? जैसे फिर मेरे पिताजी का जैसे कॉल आया था, मम्मी भी थी, मेरी वाइफ का भी आया था कॉल कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नाराज़गी जैसे जताई गई थी जो हर परिवार के लिए होता है। चूँकि आप दुनिया के लिए कुछ भी हैं, आप गायक हैं, कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, अलग बात है, लेकिन परिवार के लिए सिर्फ आप एक परिवार हैं, आप उस फैमिली के से मेम्बर हैं। तो वहाँ से कुछ नाराज़गी आई थी, लेकिन फिर मैंने सारी बातें मैंने उनको रखा कि चूँकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक किडनी पे जीवित हैं, ऐसा नहीं। तो अगर मैं दान करता हूँ तो मैं, ये मेरा मानना है कि मैं जितना समाज के लिए कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लालू प्रसाद यादव जी जीवित रहें, वो समाज के लिए मेरे से ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो लोगों को, चार लोगों को कर सकता हूँ, वो एक समुदाय को कर सकते हैं, वो एक समूह को कर सकते हैं, हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो अगर मेरी ये किडनी डोनेशन जो है, अगर मैं भगवान से, मैं माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ कि ये सेट हो जाए, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि जब मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। अगर लालू प्रसाद यादव जीवित रहते हैं, मान लीजिए 10 साल उनकी उम्र और बढ़ जाती है,
तो 10 साल वो हिंदुस्तान के विकास में उनकी जो विचारधारा है वो लगेगी। और लालू प्रसाद यादव अलग चीज़ है कुछ भी, लेकिन हिंदुस्तान की जो आने वाली जो भविष्य है ना, या पिछले जो 20 साल 25 साल की जो इतिहास है, आप उससे लालू प्रसाद यादव को अलग करके आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। लालू जी के लेकर आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, हालांकि यह फैसला ज़्यादातर परिवार के लोग लेते हैं, उनके दो बेटे और बाकी परिवार के लोगों लोग भी ये ले सकते थे, बावजूद उनके बीच में आपने लिया, क्या इस मामले में आपने उनके परिवार के किसी सदस्य से बातचीत की? नहीं, जैसे इसमें कभी भी एक मोहब्बत जो है, मोहब्बत में कभी किसी से निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपनी दिल की बात होती है, अपनी आत्मा की बात होती है। और हो सकता है कि उनके भी परिवार के कुछ लोग होंगे जो कि ऐसा निर्णय लिए होंगे, लेकिन वही जो आपने जो कहा कि मेडिकल टर्म की बात, तो मेडिकल टर्म के अनुसार हो सकता है कि जैसे इसे मैच नहीं किया होगा, तो जैसे ये तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने निर्णय लिया है या नहीं लिया है, लेकिन मैंने निर्णय लिया है ये मैं कन्फर्म हूँ। और मैं आपके माध्यम से, मैं बिहारी चैनल के माध्यम से, बिहारी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये ओपन में कह रहा हूँ कि कभी भी जैसे ज़रूरत हो तो आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी ज़रूरत हो उनकी जीवन की रक्षा के लिए तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करें। मैं एक किडनी लालू प्रसाद यादव जी के लिए, परम आदरणीय हमारे अभिभावक हैं, मैं उनके लिए किडनी देने के लिए मैं सदैव, मैं तत्पर, मैं तैयार हूं। और हम क्या कहें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि वो अपने प्रिय नेता लालू के लिए अपनी एक किडनी दान देने वाले हैं। तो हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि लालू के स्वास्थ्य के साथ क्या होता है, उनकी स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है वो क्या आती है, समय पर क्या रिपोर्ट आता है, क्या कंडीशंस आते हैं, उसके हिसाब से ये सब फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि आप इनके भावनाओं को देख रहे हैं, लालू के प्रति इनके समर्पण को देख रहे हैं, कहीं न कहीं वाकई एक बेहतर प्रशंसक, बेहतर अपना मानने वाले ही लोग कर सकते हैं। ऊपर से भी जब परिवार के जब कोई भी सदस्य खुलकर इस मामले में बात नहीं कर रहे हों, वहाँ पर एक कलाकार अपने जीवन को दांव पर लगा के, भले ही इसको लेकर ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होगी लेकिन कुछ तो समस्याएं शुरू होंगी, और बावजूद इसको एक कलाकार अपने बेहतर करियर को दांव पर लगा के इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है। तो कर रहे हैं हम उनसे खास बातचीत, आप देख रहे हैं जैसा कि संतोष रेणु यादव से हम बातचीत कर रहे हैं और वो भोजपुरी के एक बेहद उभरते कलाकार हैं। तो जैसा कि संतोष जी आप एक गायक हैं और हाल ही में भोजपुरी के एक सुपरस्टार अभिनेता और गायक जो खेसारी लाल यादव हैं, उन पर एक हमला हुआ। हमला के पीछे बताया गया कि वो अश्लीलता को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसके विरोध में बिहार बंद भी किया गया। तो बिहार बंद का नेतृत्व में आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, आपका उसमें बहुत ही अहम योगदान था। तो आप क्या आप अश्लीलता के खिलाफ हैं या आप अश्लीलता के पक्ष में हैं, क्या है राय आपका अश्लीलता के प्रति? देखिए, जहाँ तक अश्लीलता की बात है तो जाहिर सी बात है कि मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि समाज में दो पहलू होती है। आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप बल्ब जला रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव करंट भी होना जरूरी है। आप सिर्फ पॉजिटिव करंट रख करके आप बल्ब नहीं जला सकते। अगर आप मैग्नेट की बात करते हैं तो आपको नॉर्थ पोल के साथ साथ साउथ पोल भी होना जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा है कि अश्लीलता और जैसे जो साहित्यिक जो सॉन्ग जो होते हैं, तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो लोग जैसे इस तरह की बात करते हैं कि अश्लीलता या जो जैसे जो भी कुछ, आप अश्लीलता का मापदंड क्या है? मैं कहता हूँ वैसे लोगों से जिनका कहना है कि अश्लीलता, मैं उनसे मैं विनम्र में आग्रह करता हूँ कि आप मुझे बताएं, आप सामने आकर के आएं और बताएं कि अश्लीलता का जो मापदंड जो होता है ना, वो जैसे एक पैरामीटर, कि अश्लीलता का पैरामीटर क्या है? क्या लहंगा चोली अश्लील है? क्या वो सनीचर ऐसे मुँह हमा फुलौले बड़ी धनिया, ये सब जिसे क्या गाया जाए? अगर अश्लीलता की बात करते हैं तो हनी सिंह ने भी बहुत कुछ गाया, तो बॉलीवुड वहां से भी हनी सिंह को बाहर कर सकता हो चुकी है। हाँ, तो हम वही कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये चीज कला संस्कृति की जो डिपार्टमेंट है, कला संस्कृति मिनिस्ट्री जो है, उनको देखनी चाहिए और कला संस्कृति मिनिस्ट्री को एक टीम गठित करना चाहिए, एक उसका गठन करना चाहिए, और तब जाकर के जहाँ पे ये बातें, चूंकि पहले तो थी कंपनी, तो कंपनी होता था क्या ना कि कंपनी से आप जो सॉन्ग निकालते थे तो उसको सेंसर करके और देन आफ्टर उसको आप रिलीज करते थे। आज के डेट में है कि यूट्यूब चैनल हो गया है, यूट्यूब चैनल में कोई भी आदमी पार्टिकुलर एक अपना
यूट्यूब चैनल बना लिया है और कोई भी सॉन्ग गाता है उसको रिलीज करता है। ये बिहार गवर्नमेंट को या जो भी जितने भी भोजपुरी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट हैं उनको चाहिए होता है कि आप एक ऐसी टीम गठित कीजिए कि जिसमें आप यूट्यूब से या गूगल से आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए कि कोई भी सॉन्ग विदाउट सेंसर्ड, वो सेंसर कौन होगा, वो जो कमिटी जो गठित आप करेंगे विदाउट उसके परमिशन, कोई यूट्यूब पे डाल नहीं सके। अच्छा। तब जा करके यहाँ पे अश्लीलता को आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव की बात है, खेसारी लाल यादव जी हम तो कहते हैं कि उनके जैसा लोग सब लोग हो जाए ना। अभी गायक के तौर पर आप क्या करेंगे अश्लीलता के लिए? ये गायक के तौर पर हम वही करेंगे जैसे अभी, जैसे उस समय मैंने भी गाया, शुरुआती अवस्था में मैंने भी गाया, जाए दे जानी तो जगह पे जाता मजा मार लाना तकिया लगा के। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे फिर मैंने अभी मैं जैसे मैंने बहुत सारा कंट्रोल किया, चूंकि पब्लिक ठीक है एंटरटेन होती है सुनती है लेकिन एक लिमिटेशंस तक, ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए किसी पे पथराव करने की जरूरत नहीं है, किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा जैसे मुझे नहीं लगता। आज खेसारी लाल यादव मर जाता, मान लीजिए खेसारी लाल यादव उस दिन पथराव में मर जाता, वो 45 घर को गोद कौन लेता, 45 घर को गोद कौन लेता, 45 ठीक है अश्लील ही वो गाया, अश्लील गा करके वो जैसे अपने पब्लिक को इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना मदद कर रहा है, तो हम तो 45 घर की बात आप करना चाहते हैं, वो छापा, हाँ वो जो छपरा में जो एकमा छपरा में जो हुआ था 45 घर में आग लग गई थी। अच्छा। जल करके राख हो गया था। हाँ उसमें जा करके खेसारी भैया ने जैसे वहाँ गए जा करके वो 45 घर में अच्छी खासी रकम दी वहाँ पे और उसको पुनर जैसे जो होता है हाँ हाँ उसके लिए जैसे उन्होंने व्यवस्था किया। तो यही सब चीज़ है, ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, या खेसारी लाल यादव के ऊपर हमला हो जाए या उधर पवन सिंह जी के ऊपर हमला हो गया तो, या जैसे मनोज तिवारी जी के ऊपर होता रहता है, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुख्य धारा में आप जुड़ जाइए, आप एक गठित कीजिए कमेटी और कमेटी गठित करके आप एक पैरामीटर बनाइए और उसके बाद कहिए कि हाँ अश्लील क्या है या साहित्यिक क्या है। लेकिन खेसारी लाल यादव पर हमला होने के पीछे कई लोग इसको मतलब पॉलिटिकली भी बता रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके, इसके पीछे आपका क्या रहा है? हाँ व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा था, तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी जैसे उस व्यक्ति को बदनाम करना चाह रहे हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल से करियर को लेकर के। मैं कहता हूँ कि खेसारी लाल यादव जी यदि बदनाम करना चाह रहे थे तो उस व्यक्ति विशेष को खेसारी लाल जी के ऊपर मनहानी का केस करना चाहिए था। अगर अगर उस व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है तो वो केस करता उसके बाद जहाँ पे गलत होते खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव जी कानून से बड़े नहीं है ना। एक गायक के तौर पे जैसा कि चलिए हम लोग आते हैं फिर से खेसारी लाल से निकल के लालू प्रसाद पे आते हैं, और जैसा कि आप एक गायक हैं और बहुत सारे एल्बम आपके मार्केट में आए हैं, आपने बहुत सारे हिट गाने भी दिए हैं, और तो क्या आप अपने प्रिय नेता जिनके लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं उनके लिए कोई गीत सुनाएंगे? हमारे दर्शकों की मांग है। एकदम एकदम मैंने परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक गीत मैंने बनाया था जो हर एक सूरज कहे चंदा कहे, सूरज कहे चंदा कहे, काली कोयल कुहू के लागल, आ दुनिया में घर घर लालू चाचा के लहरिया बहे लागल, दुनिया में घर घर लालू चाचा के लहरिया बहे लागल। तो जैसा कि देख रहे हैं इनकी दीवानगी इनकी गानों में भी दिखाई दे रही है, लालू जी के प्रति राजद सुप्रीमो के प्रति इनकी दीवानगी। हालांकि आपके लिए एक राहत की खबर ये है कि लालू जी का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है, जैसा कि आज का रिम्स का रिपोर्ट है शुक्रवार को जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया है कि उनके बीपी वगैरह अब नॉर्मल हैं और तेज़ी से सुधार हो रहा है, और अगर थोड़ी सी भी हालत ख़राब होती है तो उन्हें हायर सेंटर ले जाने की भी बात की जा रही है। तो मैंने अब थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं, बस समय का कुछ सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को हम लोग पार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही सारी बॉन्डिंग है संतोष जी के साथ भी और हमारे साथ भी। तो संतोष जी ये बताइए
कि मैंने सुना है आपकी आने वाली, आप किसी फिल्म में एक मेन लीड रोल में आ रहे हैं, क्या है उस फिल्म के बारे में कुछ बताएं। जी जी, आपने फेसबुक से देखा होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे हमारी जो आने वाली जो फिल्म है जिसका मुहूर्त है 28 तारीख को मुंबई में, फिल्म का नाम है लालटेन। लालटेन जी, और लालटेन वो भी वो भी लालू यादव जी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो होता क्या है ना कि अब ये तो मेरी सौभाग्य है, फिर यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये मेरी सौभाग्य है कि उस इंसान के से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है जी, और उस फिल्म के साथ मैं अपने आप को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मैं लॉन्च हो रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। और उसके डायरेक्टर हैं जैसे लेकिन मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, जैसे नाम ओपन नहीं करना है। तो जैसे 28 तारीख को उसके मुहूर्त है जैसे लालटेन फिल्म की, और अच्छी है कुल मिला करके। तो जैसा कि आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े थे और उन्होंने उनके बारे में उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी जैसा कि देख के लगा होगा कि लालू के प्रति, राजद सुप्रीमो के प्रति इनकी दीवानगी और इनकी भावना काफ़ी कद्र करने लायक है, काफ़ी इज्जत देने लायक है। और आप जैसा कि देख रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि लालू जी के लिए, उनके उनके लिए, उनके जीवन के लिए ये अपना किडनी दान देंगे। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ संतोष रेणु यादव जी का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहारी न्यूज, मैं प्रियांक सौरभ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।